नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त मानु मार्गव और आप देख रहे हैं जीके विद मानु चरण। साथियों, आज के लिए हम चर्चा करेंगे उच्च पद प्रभार से रिलेटेड। एक लंबे समय के बाद हम इस पर वीडियो लेकर के आए आप सभी की रिक्वायरमेंट पर। बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है, उच्च पद प्रभार से संबंधित लेटेस्ट पत्र जारी हुआ है, जिसके तहत मिडिल HM और UDT साथ में माध्यमिक शिक्षकों की फाइनल सूची जारी हुई है। अब हमारे शिक्षक साथियों को एक सुखद खबर मिल सकती है कि शीघ्र ही काउंसलिंग हो सकती है। लेकिन आप सभी की रिक्वायरमेंट आई है, मोस्टली हमने इसका एक सर्वे भी करवाया था। सर्वे के तहत हमने देखा था कि 75% या 80% तक जो शिक्षक हैं वह चाहते हैं कि दोबारा से काउंसलिंग हो सभी शिक्षकों की, एक बार फिर से काउंसलिंग हो, क्योंकि जो पदक्रम सूचियां हैं वो बनकर के फाइनल सूचियां बनकर के आज तैयार हो गई है। एजुकेशन पोर्टल पर यह अवेलेबल है, आप भी देख सकते हो, और हम अपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे देंगे, और चैनल पर यह जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर हम यह सूचियां दोनों आपको प्रोवाइड करा देंगे। जो शिक्षक साथी जुड़े नहीं है तो वो लिंक के माध्यम से हमारे ग्रुप पर जुड़िएगा और वहां पर आपको सूचियां प्राप्त हो जाएंगे, नहीं तो आप एजुकेशन पोर्टल से यह सूचियां प्राप्त कर सकते हैं या अन्य माध्यम से आपको प्राप्त भी हो गई होंगी। तो साथियों, यहां पर हम चर्चा करने वाले हैं कि बहुत सारे शिक्षक साथी थे जो कि दोबारा से काउंसलिंग की मांग रख रहे हैं, और यहाँ पर एक बार का जो UDT है और मिडिल HM है, उन शिक्षक साथियों की भी हमने राय ली थी, उसका भी हमने एक जो सर्वे कराया था, और सर्वे हमारा जो YouTube चैनल है उसके माध्यम से ही यह सर्वे था। तो वहाँ पर जो शिक्षक हैं वह सिर्फ आदेश के जारी होने की मांग कर रहे हैं, ना कि दोबारा से काउंसलिंग हो। लेकिन हमारे जितने भी माध्यमिक शिक्षक हैं वह मांग कर रहे हैं कि दोबारा से काउंसलिंग हो। इसके लिए 75% शिक्षक तैयार है कि दोबारा से काउंसलिंग हो। तो आप वीडियो को कमेंट्स में जरूर लिखिएगा, क्या सभी माध्यमिक शिक्षकों की दोबारा से काउंसलिंग होना चाहिए, या फिर साथ में UDT जो शिक्षक साथी हैं उनकी भी काउंसलिंग दोबारा से होना चाहिए। और साथ में यहाँ पर हम बता देना चाह रहे हैं कि अब शीघ्र ही काउंसलिंग की डेट भी जारी होगी, संभवतः अब अप्रैल के माह में काउंसलिंग हो सकती है किसी भी दिन। इसकी 2-3 दिन के अंदर ही माध्यमिक शिक्षकों की काउंसलिंग होगी, और उसके बाद या तो जैसा कि पहला जो पत्र था उसके अकॉर्डिंग ये थी कि दूसरे राउंड की काउंसलिंग होने के बाद, फर्स्ट राउंड में जो काउंसलिंग हो चुकी है जिनसे माध्यमिक शिक्षकों की या UDT की, तो उसके बाद काउंसलिंग होने के बाद उच्च पद प्रभार संबंधी आदेश जारी होंगे। तो संभवतः ऐसा भी हो सकता है, या फिर आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, ये वीडियो वरिष्ठ कार्यालय द्वारा वॉच भी किया जाता है, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट भी इसमें रख सकते हैं। साथियों, हम मिलते हैं अगले अपडेटेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।